खबरों वाले शेयर्स की और नतीजों की। कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के नतीजे आए बताने के लिए शरद हमारे साथ मौजूद हैं। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो जो कल जो है सेलेक्ट फ्यू नंबर्स जो हैं आए हैं, सबसे पहला सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे नतीजे स्ट्रांग देखने मिले हैं, अनुमान से बेहतर आए हैं। आप जो है NI ले लीजिए, PAT ले लीजिए या एसेट क्वालिटी, तीनों ही पैरामीटर्स में जो है एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली। और ऑपरेशनल अपडेट में भी जो है स्टॉक में तेज़ी देखने मिली थी जब अर्लियर महीने में आया था। BPCL की बात करें तो स्टैंड अलोन नंबर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं यहाँ पे सिक्वेंशली। अब देखा जाए तो अपनी जो पीयर्स हैं HPCL, IOCL, उनसे भी बेहतरीन नंबर्स जो है कंपनी ने अनाउंस किया। उसके अलावा बोनस जो है 1:1, अगर आप एक शेयर होल्ड करते हो तो आपको एक बोनस मिलेगा, उसकी ऐलान हुई है। और डिविडेंड भी ₹21 का ऐलान हुआ है। और अगर प्री बोनस डिविडेंड के बारे में बात करें तो डिविडेंड यील्ड आता है 3.5% का। वही रुशील डेकोर के बारे में बात करें तो कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं, और यहाँ पे देखें तो मार्जिन्स में भी जो थोड़ी सी गिरावट आई है, ऑलमोस्ट 66 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने मिला है। रिलैक्सो फुटवेयर्स लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, और थोड़ी सी कट जो है टॉप लाइन में आई है लगभग 2% का। गोपाल स्नैक्स की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं, स्पेशली अगर मार्जिन्स की बात करें तो लगभग 400 बेसिस पॉइंट्स का जो है गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। और आखिर में अबाउट इंडिया की बात करते हैं तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, जहां पे एबिडा में लगभग 18% का ओवरऑल उछाल देखने मिला है। ठीक है, तो ये हैं कुछ नतीजे, और ज्यादातर आज हम देख रहे हैं कि वायदा बाजार से और मिड कैप कंपनियों के नतीजे आए हैं, उस पर आज नजर रखिए। हमारे साथ गौरव हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव बताइए। जी हाँ, तो ब्रोकरेज इसमें आज शुरुआत करते हैं एशियन पेंट्स के साथ, क्योंकि इन्वेस्टेक ने अभी जो रेटिंग है वो सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस कम करके 2,660 रुपीज़ का किया है। तो जैसे हमने देखा कि एक वीक रिजल्ट हमें देखने को मिला था कल के दिन में, उसके अलावा उनका मानना है कि कहीं पे आगे जाके जो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं दूसरे प्लेयर्स, इसकी वजह से टॉप लाइन ग्रोथ में कहीं पे उनको एशियन पेंट्स में एक स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। और आगे जाके उनका मानना है कि FY26 का EPS जो है वो कहीं पे FY24 के EPS से कम रह सकता है, और इसीलिए उन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो कट किया है। अगली बात करते हैं HPCL की, क्योंकि सिटी ने अभी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस कहीं पे कट करके 630 रुपीज़ का किया है। तो इसमें भी हमें देखा था कि अगर रिजल्ट्स की बात करें तो कहीं पे एक मिस देखने को मिला था, और उनका मानना है कि कहीं पे रिफाइनिंग की वजह से ये मिस मिला था, बट उसके अलावा उनका जो आउटलुक है वो काफ़ी पॉजिटिव है HPCL के लेके। उनका मानना है कि कहीं पे आगे जाके अगर कोई भी प्राइस फॉल हमें देखने को मिल रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए HPCL में इन्वेस्ट करने के लिए। अगली बात करते हैं कोई व्हीकल फाइनेंशियल्स की, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पे डाउनग्रेड किया है रेटिंग सेल पे, और टारगेट प्राइस भी कट करके 233 रुपीज़ का दिया है। और अगर हम बात करें श्रीराम फाइनेंस की, तो उन्होंने वहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2,864 रुपीज़ का दिया है। तो उनका मानना है कि कहीं पे अगर डाइवर्जन जो है वो देखने को मिल रहा है इन दो प्लेयर्स में, अगर हम कॉस्ट टू इनकम की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है 43% लेवल पे, जबकि श्रीराम फाइनेंस में यही जो है वो 27% पे है कहीं पे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो श्रीराम फाइनेंस में कहीं पे हमें री रेटिंग भी देखने को मिल सकता है आगे जाके, क्योंकि ओके, थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए।